शिफ्ट प्रोड्यूस ड्यू टू एस ट्रांसपेरेंट स्लैब, इसकी बात करें। मान लो कि ये हमारे पास है एक ट्रांसपेरेंट स्लैब, कुछ इसकी थिकनेस है टी और कुछ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और इसके सामने यहाँ पर एक रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। पहले हम रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात अलग तरीके से होगी, उसकी बात फिर करेंगे, पहले रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब इस तरफ से इसको एक ऑब्जर्वर देख रहा है इस स्लैब के थ्रू, तो रिफ्रैक्शन के कारण ये ऑब्जेक्ट इसको इस पॉइंट पर नहीं दिखेगा बल्कि कहीं और। कहाँ दिखेगा? जहाँ इसकी इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, उसके लिए हम रे डायग्राम बनाकर इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक लाइट रे हम बिल्कुल इस पर नॉर्मली इंसिडेंस करें तो विदाउट डेविएशन सीधी इस तरह से पास हो जाएगी, इस तरीके से। एक लाइट रे अगर मैं यहाँ पर इंसिडेंट करूँ इस तरीके से, तो ये क्योंकि अब डेंसर मीडियम में जा रही है इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाने की वजह से इस तरह से थोड़ा सा मुड़ गई, और इस रिफ्रैक्शन के कारण ये लाइट रे इस तरफ, तो इस लाइट रे को कहीं नहीं मिलेगी, मगर इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए इस तरह से, तो यहाँ पर ये दोनों लाइट रेज मिलती हुई अपीयर होंगी। तो इस पहली प्लेन सरफेस के कारण इस ऑब्जेक्ट की एक इंटरमीडिएट इमेज यहाँ पर बन जाएगी आई वन, है ना। फिर जब ये लाइट रे दूसरी सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो वापस से एक रेयर मीडियम में जा रही है, तो इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा। उस रिफ्रैक्शन के कारण ये वापस से पहले वाली डायरेक्शन में बैंड हो जाएगी, यूँ कहें कि क्योंकि रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इनिशियली जिस डायरेक्शन में आ रही थी ये उसी डायरेक्शन में वापस से निकलेगी बाहर, इस तरह से। अब इन दोनों रेज की अगर बात करें तो वो इस तरह से कहीं पर मिलेंगी, यहाँ पर कहीं पर, और ये फाइनल इमेज इसकी बन जाएगी आई, इस तरह से। तो हम देख सकते हैं कि दो बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ, एक इस सरफेस के कारण, फर्स्ट सरफेस के कारण, फिर सेकंड सरफेस के कारण, इस तरह से फाइनली इमेज यहाँ बनी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ की जगह यहाँ नज़र आएगा, तो जितना डिस्प्लेस होकर ये नज़र आएगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड शिफ्ट, है ना। या इसको नॉर्मल शिफ्ट भी कई बार कहते हैं, शिफ्ट कहें नॉर्मल शिफ्ट कहें एक ही बात है, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करें? इसको फाइंड करने के लिए हमें बारी बारी से दोनों सरफेस के कारण इसके रिफ्रैक्शन को स्टडी करना होगा। आप देख रहे हैं सरफेस वन से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, है ना, इसको कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि पहली सरफेस से ये ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पर था, और फर्स्ट सरफेस के कारण जब रिफ्रैक्शन हुआ तो इसकी इंटरमीडिएट इमेज जो बनी वो थोड़ा दूर जाकर बन गई, यानी कि एक्स बढ़कर कुछ और हो गई, एक्स डैश। उस एक्स डैश को अगर हम लिखें, फर्स्ट सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सरफेस के कारण जो इमेज बनी वो कितनी डिस्टेंस पर नज़र आएगी फर्स्ट सरफेस से, तो हम देख रहे हैं कि वो एक्स से बढ़कर कुछ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? बढ़ाने की जब म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू इंटू एक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, म्यू एक्स। अब ये इमेज दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, है ना। दूसरी सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना दूर होगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ आई वन कहें हम फ्रॉम सेकंड सरफेस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेकंड सरफेस से? डिस्टेंस हो जाएगी, देखो आई वन की फर्स्ट सरफेस से डिस्टेंस हो गई म्यू एक्स, और प्लस ये टी, तो सेकंड सरफेस से हो गई म्यू एक्स प्लस टी, तो म्यू एक्स प्लस टी ये सेकंड सरफेस से इस आई वन की डिस्टेंस हो गई। अब सेकंड सरफेस पर फिर से रिफ्रैक्शन हुआ और आई वन की फिर से इमेज बनी आई पर, है ना भाई। तो अगर सेकंड सरफेस से फाइनल इमेज की डिस्टेंस में देखूं, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज आई फ्रॉम सेकंड सरफेस,
तो सेकंड सरफेस से फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आप समझ सकते हैं कि आई वन जो था ये तो ज़्यादा डिस्टेंस पर था और फाइनल इमेज इसे कम डिस्टेंस पर हो गई है, तो जब डिस्टेंस कम होती है तो हम म्यू से डिवाइड कर देते हैं उसको, तो ये थी ओरिजिनल डिस्टेंस और इसको म्यू से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगी म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू, दैट इज एक्स प्लस टी बाई म्यू। तो कुल मिला के सेकेंड सरफेस से फाइनल इमेज की डिस्टेंस ये है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है एक्स प्लस टी, तो ये शिफ्ट कितना हो गई? व्हाट विल बी नॉर्मल शिफ्ट? नॉर्मल शिफ्ट एस। तो एस के लिए हम क्या करें? देखो ध्यान से समझो, ऑब्जेक्ट तो सेकेंड सरफेस से था एक्स प्लस टी डिस्टेंस पर, एक्स प्लस टी डिस्टेंस पर, और फाइनल इमेज सेकेंड सरफेस से कुछ कम डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस है ये, तो इसको मुझे इस डिस्टेंस में से माइनस कर देना चाहिए, तो माइनस एक्स प्लस टी बाई म्यू। एक्स कैंसिल हो जाएगा, टी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा वन माइनस वन अपॉन म्यू। दिस इज शिफ्ट। मैं आपसे कहूँगा कि इस शिफ्ट का ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। एक और बात याद रखें कि रियल ऑब्जेक्ट जब यहाँ प्रेजेंट है तो इसकी जो शिफ्टिंग होती है वो लाइट के चलने की डायरेक्शन में होती है, एंड दैट इज गिवन बाई टी इन टू वन माइनस वन अपॉन म्यू। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में क्या हो जाएगा? अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि ये स्लैब है हमारी, सेम स्लैब जिसकी थिकनेस थी टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू। अब इस पर एक लाइट बीम इस तरह से गिर रही है, मान लीजिए कि एक लाइट रे इस तरह से आ रही है न्यू, और दूसरी लाइट रे इस तरह से आ रही है जैसे कि इसको इस पॉइंट पर मिलना हो इस तरह से। तो यहाँ पर क्योंकि लाइट रेज मिल नहीं रही हैं बल्कि मिलती हुई अपीयर हो रही हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इसका रिफ्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्योंकि डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, तो इस तरह से झुकेगी, फिर यहाँ पर वापस से उसी डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगी जिस डायरेक्शन में इनिशियली आ रही थी, इस तरह से। तो अब यह इस रे को यहाँ पर कहीं पर जाकर मिलेगी, तो ये इसकी एक इमेज बन जाएगी जो कि रियल इमेज होगी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ बन गई, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम कह सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट। और जिस तरीके से हमने यहाँ प्रूफ किया था, सेम मेथड फॉलो करके हम प्रूफ कर सकते हैं कि एस की वैल्यू इस केस में भी टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू मिलती है। अच्छी बात है कि दोनों रिजल्ट एक जैसे हैं तो आपको याद रखने में कन्वीनियंट रहेगा। तो दो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप याद रखें। पहली बात कि शिफ्ट क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू, टी इज थिकनेस ऑफ द स्लैब, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। दूसरी बात कि ये जो शिफ्टिंग है ये लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में हो रही है, यहाँ भी देख रहे हैं लाइट के चलने के अलॉन्ग, यहाँ भी चलने के अलॉन्ग। सो दिस शिफ्ट इज ऑलवेज, शिफ्ट इज ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन।